वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियोस में हरमीत और जसप्रीत की भी कहानी पढ़ी थी, कैसे उसकी मम्मी ने हड़ताल कर दी थी एक दिन, और देखो कैसी सिचुएशन हो गई थी। बिना जब महिला काम नहीं करती घर के तो कैसे तहस नहस हो जाती है, हल्ले हो जाते हैं। ऐसे ही हमने कुछ वैल्यू भी जानी थी कि, और सारे हमने काम भी जाने थे कि डोमेस्टिक वर्कर्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो आइए उसी का टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स को ही आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, स्टोरी ऑफ मेलानी। मेलानी जो कि एक लेडीज़ है, आपको दिखाई दे ही रही होगी, देखो कितनी बढ़िया सी प्यारी सी ड्राइंग बनाई है। तो ये मेलानी है, आपको फीमेल लेडी दिखाई दे रही होगी राइट साइड में। इसकी क्या होती है, इसकी नौकरी लगती है जॉब फैमिली में। ये नौकरी करती है, घर का काम करती है, दूसरे के घर पे काम करके जाती है अमीर फैमिली में जाके। उसको सबसे पहले तो होता है कि भैया सुबह जल्दी जल्दी उसे 3 स्टोरी हाउस में पहुंचना पड़ता है, यानी कि 3 मंजिला हाउस जिसके 3 मंजिल बने हों उन जैसे 3 स्टोरी घर पे काम पहुंचना पड़ता है उसे सुबह सुबह 5 बजे से पहले। क्योंकि ये सारी महिलाएं जो है, क्योंकि सुबह का काम तो जल्दी स्टार्ट होता है, तो सारी ये मेलानी जो है ये किचन का काम करती है। मैम साहब इसकी चिल्लाती रहती है काम के लिए, तुमने काम क्यों नहीं करा, पोछा अच्छे से लगाना, ये कोना साफ करो, बर्तन अच्छे से साफ करना। जैसे तुमने देखा होगा कि भाई हमारी लेडीज़ जो महिलाएं हैं वो डांटती रहती हैं। ब्रेकफास्ट में इसे बेचारे को क्या होता था, एक चाय मिलती थी और 2 सूखी रोटी मिलती थी इसको। कितनी दुखनाक दर्दनाक चीज़ है इसकी। और शाम को इसके घर पे क्या है, जो रिच फैमिली जहाँ पे नौकरी करने जाती थी, नौकरानी का काम करने, वहाँ पे 2 लड़की और करती थी। ये सिर्फ किचन का काम करती थी और वो 2 लड़की जो थी वो पूरा घर का काम संभालती थी, साफ सफाई का। तो शाम को क्या होता था कि जब ये खाना बनाती थी तो वो 2 लड़की डिमांड करती थी कि हमें 2 एक्स्ट्रा चपाती चाहिए, 2 रोटी चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये क्या करती थी, चुपके से उनके लिए रोटी सेक दिया करती थी और अपने लिए सेक दिया करती थी। इससे और एक और चीज़, घर में चप्पल नहीं पहन सकती थी ये, क्योंकि घर में चप्पल पहन ली तो शामत आ गई, है ना। तो ये चीज़ बहुत बेकार थी। अगर हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, सर्दियों में तो ठंडी होती है, फ्लोर जो है, ज़मीन जो है ठंडी होती है, तो इसके क्या है, फीट स्वेल कर जाते थे, यानी कि सूजन आ जाती थी इसके पैरों में, मेलानी की में। देखो अगर तुम पूरी ठंडियों में बिना चप्पल के काम करवाओगे तो क्या पैरों में परेशानी नहीं होगी, तो मेलानी को ये परेशानी उठानी पड़ी थी। मैम साहब के इसको अंदर ही अंदर ये बात क्यों नहीं बोलती थी, ये इतना क्यों डरती थी, क्योंकि मैम साहब के गुस्से से डरती थी। इसको गुस्सा भी आता था, इसको अपमान भी कर महसूस करती थी ये कि मेरी बेइज्जती होती है जब मेरे से मैम साहब ये सब कहती है। तो अब ये छोटी सी स्टोरी थी जिसमें ये इतना सारा काम करती थी, किचन का काम संभालती थी, खाने पीने से लेकर सब। सुबह 5 बजे इसको पहुंचना होता था। सवाल ये उठता है कि क्या वो दिन भर काम नहीं करती, बिल्कुल करती है। ये सारे काम किचन में, खाना बनाना, ये सब रिपीट होते हैं। शाम को भी खाना बनता है, दोपहर में भी बनता है, तो सोचो कैसी हालत होती होगी। क्या उन्हें बराबर रेस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, क्या उन्होंने रेस्पेक्ट के लिए काम नहीं किया, इज्जत नहीं मिलनी चाहिए जो ये दूसरे के घर पे जाके काम कर रही थी। तो ये स्टूडेंट्स हमने मेलानी की स्टोरी पढ़ी, शॉर्ट स्टोरी। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। मेलानी की स्टोरी आपको दिख ही रही होगी और उसके बाद जो भी है वो कंक्लूजन निकल के आया है, वो कंक्लूजन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था कि कैसे कैसे काम करती हैं महिलाएं हमारी। गांव की महिलाएं अगर मैं स्पेशली बात करूं तो वो अपने सर पर भारी भारी गट्ठर उठा के लाती हैं लकड़ियों का, जानवरों की भी देखभाल करती हैं, अपने बच्चों की भी देखभाल करती हैं, उनको नहलाती हैं, खाना खिलाती हैं, टाइम टू टाइम रोटी देती हैं, है ना, वो सारा काम होता है। झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, फिर शाम का खाना बनाना, तो इतने सारे काम करने ही पड़ते हैं। तो वही बात आपको कुछ पैराग्राफ्स में लिखी हुई है बच्चे। अब हम टॉपिक पर बात करते हैं, वुमेन वर्क्स एंड इक्वालिटी, महिलाओं के काम और उनको बराबर, उनको कह सकते हैं इक्वल की इक्वालिटी, इक्वल इम्पोर्टेंस कैसे मिलेगी। देखो वुमेन के वर्क को जो है बच्चे, वुमेन के वर्क को बहुत ही लो माना गया है कि भैया उनको बहुत कम वैल्यू दी जाती है,
इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती। अरे घर के काम क्या काम होते हैं, ये सब बोला जाता है। घर का क्या है, चूल्हा चौका ही तो संभालना है। लोगों का कहना बहुत आसान है कि खुला चूल्हा चौका संभालना है, बट उसको कर पाना बहुत मुश्किल है। रोना किस बात का है, इट्स अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। हमारे सिस्टम में ही, हमारे समाज में ही इतने भेदभाव होता है पुरुष और महिला में। पुरुष को, हमारे मेल्स को, मेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है काम, क्योंकि वो तो घर बाहर का काम करके आ रहे हैं, बाहर का पैसे कमा के ला रहे हैं, तो जो पैसा कमाता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्या महिलाएं घर का काम नहीं करती, क्या उनको बराबर इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? वो तो फ्री में काम कर रही हैं हमारे लिए, उनको तो कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता, पड़ रहा। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बात बताई है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, कभी भी भेदभाव नहीं करता मैन और वुमेन में, बट समाज करता है। इन रियलिटी डिस्क्रिमिनेशन अकर्स। रियलिटी की अगर मैं बात करूँ, सच्चाई यह है कि हमारी सोसाइटी ही भेदभाव करती है लड़का और लड़की में। ऐसा बोला जाता है कि भैया लड़के को अगर दूध पिलाने की बात हो, खाने की, लड़के को दे देंगे, अरे लड़की क्या करेगी, लड़के को कभी दूध भी नहीं दिया जाता। लड़के को बोल देंगे, अरे हमारा लड़का तो बड़ा होगा, बाहर पढ़ाई करने जाएगा। क्या लड़कियों का हक नहीं है पढ़ाई करने का? लड़कियों से बोल देते, अरे इसको क्या करना है, चूल्हा चौका ही तो करना है, कुछ साल बाद जैसी 12वीं पास हो जाएगी इसकी शादी करा देंगे। ये समाज की सोच है बराबर, बट हमें इसको बदलना है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, बच्चे ज़रा देखते हैं। गवर्नमेंट्स हैज सेट अप आंगनवाड़ी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स इन द विलेज। सरकार ने, गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी सिस्टम बनाए हुए हैं, जहाँ पे जो गांव की महिलाएं बाहर, गांव से बाहर जाकर काम करती हैं खेतों पर, तो उनके बच्चों के देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे उनके छोटे छोटे बच्चों के आंगनवाड़ी, तुमने नाम सुना होगा आशा दीदी, आशा दीदी आ गई। तो आशा दीदी क्या है, वो बच्चों की देखभाल करती है, उनको खान पान, खिचड़ी वगैरह वो सब देती रहती है, बच्चों को ज़रूरी आइटम, खिलौने वगैरह, तो पूरी तरीके से देखभाल करने का जिम्मा आंगनवाड़ी की फीमेल वर्कर्स करती हैं। वुमेन्स एंड वर्क्स गर्ल्स वर्क आउटसाइड। महिलाएं जो हैं और लड़कियां जो हैं वो बाहर काम करने चली जाती हैं जैसी वो बड़ी हो जाती हैं। तो गांव में ये देखा गया है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि किसान क्या है, एग्रीकल्चर में पूरा परिवार मेहनत करता है। वो बोलते हैं ना भैया, आजकल के, जैसे तुमने सुना होगा कि भाई आज के कोरोना में क्या है, बच्चे से बोलते थे अरे ऑनलाइन पढ़ाई तो हो नहीं रही, बच्चों को आलू खुदवाने जा रहे हैं, गेहूँ कटवाने जा रहे हैं। तो किसान का काम बहुत मेहनती का काम है, उसमें सारे परिवार के मेंबर्स पार्टिसिपेशन करते हैं, तब जाके एक खेत का काम अच्छे से हो पाता है। पूरे लोग लगे रहते हैं उसमें, बिजी रहते हैं, तब जाके किसान का काम होता है। तो इतना मेहनत भरा काम होता है गांव में। 30% ऑफ मेल्स ऑर्गेनाइजेशन फीमेल्स। इसमें बात ये बोली गई कि जहाँ पे काम होता है तो वहाँ पे 30% फीमेल्स को भी काम मिलना चाहिए। ये रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन कोटा है कि 30% फीमेल्स काम करेंगी, उनके लिए जगह होनी चाहिए जिससे कि उन्हें भी काम करने का मौका मिले। एनकरेज गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। लड़कियों को स्कूल अटेंड करने के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए उनका। उनको कुछ स्कूल जाना बोल देते हैं, अरे लड़की स्कूल क्या जाएगी करेगी, लड़का पढ़ेगा, तो ये चीज़ गलत है। लड़कियों को भी कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, भाई देखो सीखने की आत्मा, सीखने की ललक हर बच्चे में होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी लड़कियों को। देखो अब जब तक उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे, देखो आज की लड़कियां क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और कह सकते हैं हमारी आर्मी एयरफोर्स इन सब में जा रही हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं हमारे देश के लिए। खेलों में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ओलंपिक में मेडल्स जीत के लाई हैं। टोक्यो की बात करें तो ये पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि जिस जिस एनवायरनमेंट में लड़कियां लड़के ग्रो होते हैं तो उनको बराबर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की एक समान ऐसे कहते हैं, है ना। तो बस स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है 2 क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यहाँ पर आपकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पूरी ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।